हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये क्लीन गर्ल एस्थेटिक मेकअप लुक, जो डे और नाइट आप किसी भी ओकेशन में इसको कैरी कर सकते हो, या फिर अगर आप कॉलेज ऑफिस जा रहे हो तो भी आप इसको कैरी कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा डिसेंट, एलिगेंट, क्लीन एंड क्लासी लुक देता है आपको। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं क्लीन करूँगी अपना फेस। तो उसके लिए निया स्किन केयर का फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। उसको थोड़ा सा लेके उसके अंदर थोड़ा सा शुगर ऐड करके अच्छे से मिक्स करके फेस में सर्कुलर मोशन में स्क्रब करूँगी। इससे फेस वॉश भी हो जाएगा और डेड स्किन सेल्स भी निकल जाएगी, जो आपकी स्किन को नेचुरली क्लियर एंड ग्लोइंग बनाएंगे। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूंगी मॉइस्चराइजर। यहाँ मैं निया स्किन केयर का SPF 50 डे जेल क्रीम यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा क्वांटिटी में लेके अच्छे से स्किन में अप्लाई कर लूँगी और सर्कुलर मोशन में इसको मसाज करके अब्सॉर्व कर लूँगी। मेकअप अप्लाई करने से पहले ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अप्लाई करूंगी ये नेचर एसेंस का फेशियल इज रेडियंस बूस्टिंग 24 कैरेट गोल्ड फेस सीरम। गाइस, अगर आपके पास कोई प्राइमर नहीं है तो ये प्रोडक्ट में ज़रूर इन्वेस्ट करना। इसका प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल है, 400 रुपीज़ है फॉर 30 ml, और ये आपकी स्किन में एक प्राइमर की तरह काम करेगा। आपकी स्किन को डीपली हाइड्रेट, ग्लोइंग बनाएंगे। पहले आपको लग सकता है थोड़ा सा ऑयली, पर जब ये अब्सॉर्ब हो जाएगा बहुत ही स्मूथ आपकी स्किन लगेगी। उसके बाद यूज़ करूँगी ये NYB का BB क्रीम विथ SPF 15, और इसको थोड़ा सा क्वांटिटी में लेके डॉट डॉट करके अप्लाई कर लूँगी पूरी फेस पे, और एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से इनको ब्लेंड कर लूँगी फेस पे, आईज पे, नेक में और ईयर्स में। एंड यू कैन क्लियरली सी द ग्लो ऑन माई स्किन गाइस। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूंगी ये मेबलिन का फिट मी कॉम्पैक्ट पाउडर, और इसको लेके सिर्फ टी जोन पे अच्छे से अप्लाई करूंगी। आपको याद रखना है पूरी फेस पर नहीं अप्लाई करना है, स्पेशली टी जोन पे अच्छे से अप्लाई करना है, क्योंकि उससे ऑयल सिक्रेशन ज़्यादा होता है। और जो बचा हुआ कॉम्पैक्ट है उसको अच्छे से फेस पे, नेक में अप्लाई कर लूँगी। के बाद यूज़ करी ये स्विच ब्यूटी का आई शेडो पैलेट, और इससे जो डार्क ब्राउन शेड है इसको लेके मैं मेरी आईब्रोज की जो गैप्स है स्पेशली उसको ही फिल करूँगी। आपको इसको ड्रॉ नहीं करना है, बहुत ही नेचुरल लगता है जब आप इसको जस्ट फील करोगे। उसके बाद यूज़ कर रही हूँ ये मेबलिन का ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला मस्कारा, और इसको लेके आईब्रोज के जो हेयर है अच्छे से सेट कर लूँगी। अगर आपके पास कोई आईब्रो मस्कारा है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। देन सेम आई शेडो पैलेट से ये जो न्यूड ब्राउन शेड है इसको लेके थोड़ा सा और अच्छे से डैप करके एक्सेस प्रोडक्ट को निकाल के मैं मेरी जो क्रीज लाइन है उस पर अच्छे से अप्लाई करूँगी और अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई हर्श लाइन ना रह जाए। नेक्स्ट अप्लाई करूँगी ये NYB का सनसेट स्काईलाइन ब्लश, और इसको ब्लश ब्रश में थोड़ा सा लेके एक्सेस प्रोडक्ट को निकाल के फिक स्माइल करते हुए चिक्स में अप्लाई कर लूँगी अच्छे से। नेक्स्ट अप्लाई करूँगी ये लॉरियल पेरिस का लैश पैराडाइज मस्कारा, और इसको बहुत ही बुरी तरीके से यूज़ किया है इसलिए इसका पैकेजिंग पूरा चेंज हो चुका है, सो एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट गाइस। सो इसको अच्छे से कोट कर लूँगी मेरी जो लैशेस है, एंड यू कैन सी द डिफरेंस गाइस। नेक्स्ट अप्लाई करूँगी कि इनसाइड कॉस्मेटिक्स का लिपस्टिक और एमिदे शेड बेरी ऑन द आईज, और ये बहुत ही न्यूड ब्राउनिश शेड है। अच्छे से लिप्स में अप्लाई करके मेरी फिंगर की हेल्प से थोड़ा सा लाइट कर लूँगी इसको ताकि ये मोर नेचुरल लगे, और लिप बाम की हेल्प से थोड़ा सा लेके मैं मेरी लिप्स पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। अगर आपके पास कोई लिप ग्लॉस नहीं है तो आप ये हैक ट्राई कर सकते हो लिप्स को फुलर और ग्लॉसी दिखाने के लिए। नेक्स्ट अप्लाई करूँगी ये इनसाइड का मेकअप फिक्सर स्प्रे, और इसको बस 3 स्प्रे करूँगी फेस पर, और एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी फेस पर, और इसको पूरा ड्राई नहीं करूँगी, सेमी ड्राई रखूँगी। क्यों, वो आगे देखते हैं। तो इसके बाद अप्लाई करूंगी मैं टिप्स ब्यूटी का हाइलाइटर, और इसको लेके मैं मेरी चिक बोन्स पे, ब्रिज ऑफ द नोज, फोरहेड, चिन पे अच्छे से अप्लाई कर लूंगी। गाइस, मेकअप फिक्सर अप्लाई करने के बाद अगर आप हाइलाइटर अप्लाई करोगे ना तो आपकी जो हाइलाइटर का ग्लो है वो नेचुरल लगेगी, फेक नहीं लगेगी। और सेम हाइलाइटर को मैं मेरी नेक पे, मेरी जो शोल्डर है, आर्म्स में अच्छे से अप्लाई कर लूंगी। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा मेकअप, और उसके बाद कुछ भी नहीं, बस एक क्लीन हेयर स्टाइल, और अच्छे से हेयर को सेट कर लूँगी एलोवेरा जेल की हेल्प से। एंड यू कैन क्लियरली सी हाउ एस्थेटिक, डिसेंट, एलिगेंट एंड क्लासी दिस लुक इज लुकिंग ऑन मी। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर 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 लाइक करना, और आपकी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। सो अब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून एंड माई नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय।